हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय नेम इज हरजीत कौर आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसल अकॉर्ड्स के बारे में बेसल अकॉर्ड्स क्या होते हैं और इसके अलावा टियर वन टियर टू एंड टियर थ्री कैपिटल के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे बेसल अकॉर्ड्स में भी हम बेसल वन बेसल टू एंड बेसल थ्री अकॉर्ड्स को देखेंगे राइट तो शुरू करते हैं बेसल अकॉर्ड से तो स्विट्जरलैंड के अंदर एक सिटी का नाम है बेसल तो वहां पे बेसल कमेटी बनी थी ऑन बैंकिंग सुपरविजन जिसको बीसीबीएस भी बोलते हैं बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन राइट तो ये जो कमेटी बनी थी इस कमेटी ने कुछ सेट ऑफ एग्रीमेंट्स दिए थे कुछ एग्रीमेंट्स दिए थे और जो एग्रीमेंट्स इस कमेटी ने दिए थे उन एग्रीमेंट्स को ही बोला जाता है बेसल अकॉर्ड्स राइट right. तो इसके अंदर बेसल वन बेसल टू बेसल थ्री अकॉर्ड्स आ जाते हैं तो ये जो बेसल अकॉर्ड्स लाए गए हैं इनका मेन पर्पज है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो गई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो वहां पे कई बार क्या होता है अनएक्सपेक्टेड लॉसेज हो जाते हैं अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को अब्जॉर्ब करने के लिए ये बेसल अकॉर्ड्स बेसिकली लाए गए हैं ये कुछ सेट ऑफ एग्रीमेंट्स लाए गए हैं कौन लेकर आई है बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन राइट तो इसको एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हंड्रेड से भी ज्यादा कंट्रीज ने बेसल अकॉर्ड्स को इम्प्लीमेंट कर रखा है तो इन अकॉर्ड्स के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उनको एक बार देख लेते हैं जैसे कि हमने बताया कि बेसल अकॉर्ड्स के अंदर क्या है कुछ सेट ऑफ एग्रीमेंट्स है रिगार्डिंग द बैंकिंग सिस्टम राइट या फाइनेंशियल सिस्टम तो अब इसका एम क्या होगा इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे होंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑब्वियसली बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड ही होंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे ये काम कर रहे हैं तो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए बेसल अकॉर्ड्स बेसिकली लाए गए हैं राइट दूसरा जो नेशनल कैपिटल स्टैंडर्ड्स हैं उनकी कन्वर्जेंस को प्रमोट करते हैं ये बेसल अकॉर्ड्स और अक्रॉस द कंट्रीज आप देखो ऑल ओवर वर्ल्ड बात हो रही है तो कंट्रीज के बीच में जो कॉम्पिटिटिव इनइक्वालिटीज है उनको कम करने के लिए ये बेसल रिकॉर्ड्स लाए गए हैं कुछ सेट ऑफ एग्रीमेंट्स लाए गए हैं राइट तो ये कब आए थे 1988 के अंदर राइट right, राइट right, uh, 1988 के अंदर बेसल कैपिटल एडिक्वेसी रिस्क रिलेटेड रेशियो एग्रीमेंट्स दिए गए थे तो ये वही जो मैंने पहले बताया है बेसल स्विट्जरलैंड के अंदर ये बेसल कमेटी बनी थी ऑन बैंकिंग सुपरविजन तो वहाँ पे ये बेसल अकॉर्ड्स आए थे लेकिन ये जो बेसल अकॉर्ड्स है ना ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है मतलब जो कंट्रीज है ना इसमें तो वो कंट्रीज बाइंडिंग नहीं है कि इन एग्रीमेंट्स को इंप्लीमेंट करे ही करें अगर चाहे तो कर सकती है अगर नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकती तो ये नेशनल डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है तो कंट्रीज की डिस्क्रिप्शन छोड़ रखा है कि अगर कंट्रीज चाहती है तो वो इनको इंप्लीमेंट कर सकती है अदरवाइज़ okay, no right? तो तो इसके अंदर जो ग्रुप ऑफ टेन कंट्रीज जी टेन है वो भी इसके अंदर आते हैं तो इसीलिए जो बेसल वन है दे आर लुक लाइक जी टेन सेंट्रिक राइट तो आप बात करते हैं बेसल वन टू एंड थ्री अकॉर्ड्स की बेसल वन इसको फर्स्ट बेसल अकॉर्ड भी बोला जाता है तो ये किस पे फोकस करता है ये फोकस करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कैपिटल एडिक्वेसी पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कैपिटल एडिक्वेसी पे

तो अब यहाँ पे जो रिस्क है ना बेसल वन अकॉर्ड के अंदर यहाँ पे रिस्क को फाइव कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है राइट तो यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है एसेट्स ऑफ फाइनेंशियल फाइव फाइव रिस्क रिस्क कैटेगरीज कैटेगरीज कौन कौन सी है एक तो है जीरो परसेंट दूसरी टेन परसेंट थर्ड है ट्वेंटी परसेंट देन फिफ्टी परसेंट एंड फिफ्थ आ जाएगी हंड्रेड परसेंट तो ये फाइव कैटेगरीज है फाइव रिस्क कैटेगरीज है तो यहां पे जो बैंक इंटरनेशनली ऑपरेट कर रही है राइट right? उन बैंक्स की बात हो रही है जो इंटरनेशनली ऑपरेट कर रही है तो उनका जो रिस्क वेटेड होगा ना तो वो एट परसेंट या उससे कम का रिस्क होना चाहिए बैंक का एट परसेंट या उससे कम का रिस्क वेटेड होना चाहिए एट से ज्यादा का रिस्क वेटेड नहीं होना चाहिए बेसल टू अखॉर्ड क्या कहते हैं यह इसको सेकेंड बेसल कोड्स भी बोला जाता है तो इसको पूरी तरह से 2015 के अंदर इंप्लीमेंट किया जा किया गया था राइट इसका फोकस मेन थ्री एरियाज पे था कौन कौन से तीन एरियाज फर्स्ट है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स दूसरा है बैंक की सुपरवाइजरी रिव्यू थर्ड आ जाता है मार्केट डिसप्लिन तो ये जो थ्री मेन एरियाज है इनको बोला जाता है थ्री पिलर्स राइट right? इनको थ्री पिलर्स भी बोला जाता है तो बेसिकली जो ये बेसल टू अकॉर्ड्स है इनका मेन फोकस रहा है इंटरनेशनल बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स को स्ट्रेंथन करना बैंकिंग सिस्टम को प्रॉपरली सुपरवाइज करना और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको इन्फोर्स करना राइट right? नेक्स्ट आते हैं बेसल थ्री अकॉर्ड्स जिसको कि थर्ड बेसल अकॉर्ड भी बोला जाता है इनका मेन एम भी वही है इसमें कुछ रिफॉर्म्स दिए गए हैं बेसल थ्री अकॉर्ड के अंदर कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं जिनका मेन एम क्या है बैंकिंग रेगुलेशन जो सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना सुपरविजन को और अच्छा करना रिस्क मैनेजमेंट जो है उसको और अच्छे से मैनेज करना रिस्क को तो मेन एम जो रहा है थर्ड बेसल जो अकॉर्ड है उसका क्या रहा है कि बैंकिंग सेक्टर की एबिलिटी को इम्प्रूव करना कैसे इंप्रूव करेंगे बैंकिंग सिस्टम में शॉक अब्जॉर्बर्स लाकर क्वेश्चन लाकर सो दैट की जो इकोनॉमिक हो, स्ट्रेस होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो शॉक ऑब्जॉर्बर्स है वो उनको अब्जॉर्ब कर लेंगे राइट सेकेंडली रिस्क मैनेजमेंट को इंप्रूव करना बैंकिंग सिस्टम की गवर्नेंस को इंप्रूव करना बैंक्स की ट्रांसपेरेंसी को स्ट्रेंथन करना और डिस्क्लोजर्स को स्ट्रेंथन करना राइट right? तो ये थे हमारे तीनों बेसल अकॉर्ड्स नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टीयर वन टीयर टू एंड टीयर थ्री को बैंक की जो कैपिटल है उसको थ्री टीयर्स में क्लासिफाई किया गया है टीयर वन टू एंड थ्री टीयर वन कैपिटल कौन सी है टीयर वन कैपिटल जो होती है ये बैंक की जो कैपिटल एडिक्वेसी होती है वही आ जाती है टीयर वन कैपिटल के अंदर बेसिकली जो टीयर वन कैपिटल होती है ये बैंक की प्राइमरी कैपिटल होती है बैंक की प्राइमरी कैपिटल होती है राइट right? आप देखो कई बार क्या होता है बैंक को लॉस होता है अक्सर बैंकिंग बिजनेस में लॉसेस वगैरह होते ही रहते हैं तो टीयर वन कैपिटल क्या का, का काम क्या है कि इन केस बैंक को लॉस हुआ है तो उस केस में बैंकिंग की जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है वो बंद ना हो बैंकिंग की ट्रेडिंग के लिए पैसा चाहिए तो वो पैसा कहाँ से आएगा टीयर वन कैपिटल से आएगा राइट तो टीयर वन कैपिटल का काम क्या है कि लॉसेस को अब्सॉर्ब करना बिना बैंक की ट्रेडिंग एक्टिविटीज को रोके विदाउट बैंक बीइंग रिक्वायर्ड टू सीज ट्रेडिंग ट्रेडिंग बंद नहीं होनी चाहिए फिर भी बैंक के लॉसेस को अब्सॉर्ब करना बाय यूजिंग टीयर वन कैपिटल राइट तो ये एक बैंक के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का कोर मेजर है जो टीयर वन कैपिटल होती है फ्रॉम द रेगुलेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू राइट right? तो जो टीयर वन कैपिटल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल होती है बैंक की नेक्स्ट आती है टीयर टू कैपिटल टीयर टू कैपिटल कौन सी होती है ये बैंक होती है. ये बैंक बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी होती है के शॉक्स को उस टाइम पे ऑब्जॉर्ब करती है जो बैंक के लॉसेस होते हैं उनको ऑब्जॉर्ब कर लेती है जब बैंक वाइंडिंग अप होने के कगार पे आ जाती है मतलब बंद होने वाली है तो उस टाइम पे जो बैंक के लॉसेस होते हैं तो उनको जो है कवर करने के लिए टीयर टू कैपिटल यूज करी जाती है यूजली जो डिपॉजिटर के इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है डिपॉजिटर्स की प्रोटेक्शन में टीयर टू कैपिटल यूज होती है तो इसको सेकेंडरी कैपिटल भी बोलते हैं बैंक की या सप्लीमेंट्री कैपिटल भी इसको बोला जाता है तो ये क्या है ये बैंक की सेकेंड मोस्ट रिलायबल फॉर्म है कैपिटल की राइट right? तो इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती है इसमें आ, ये आ जाते हैं टैक्स सरप्लस प्लस रिटेन अर्निंग रिवैलुएशन रिजर्व हो गए फिक्सड एसेट्स के लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स जनरल लोन लॉसेज रिजर्व हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंटॉर्डिनेट डेट अन डिस्लोज रिजर्व वगैरह टीयर टू कैपिटल में आ जाते हैं सारे के सारे नेक्स्ट बात करते हैं टीयर थ्री कैपिटल की टीयर थ्री कैपिटल के अंदर इसको टर्श्री कैपिटल भी बोलते हैं टीयर थ्री कैपिटल जो आती है तो ये कब यूज होती है ये यूज होती है जब कभी कभार क्या होता है मार्केट रिस्क या कॉमोडिटी रिस्क हो जाता है या फॉरेन करेंसी रिस्क एकदम से फॉरेन करेंसी की वैल्यू गिर गई या फिर मार्केट क्रैश हो गई है मार्केट में कोई भी किसी भी तरह का जो रिस्क होता है उसको पूरा करने के लिए टीयर थ्री कैपिटल जो है इसको यूज किया जाता है राइट तो टीयर थ्री कैपिटल डेट्स में इंक्लूड ग्रेटर नंबर ऑफ सबॉर्डिनेटेड इश्यूज इसमें बहुत सारे आ जाते हैं जनरल आ जाते हैं एज कंपेयर टू टीयर टू कैपिटल राइट सो दैट्स ऑल फॉर टूडे तो नेक्स्ट हम मनी के बारे में पढ़ेंगे मनी सरप्लस के बारे में जिसमें एम जीरो सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं राइट सो दैट सॉल्व फॉर टूडे तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू बाय बाय हैव अ नाइस डे